हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्री में जानो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे अब 100 रुपये में 100 यूनिट मिलेगी बिजली, तो दोस्तों कैसे मिलेगी और कौन से उपभोक्ताओं को मिलेगी, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। पहले दोस्तों कई कई महीनों का बिल इकट्ठा आता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। अब हर महीने बिल आएगा और हर महीने 100 रुपये तक की बिजली 100 रुपये यूनिट पर मिलेंगे। 100 रुपये तो दोस्तों अगर 100 यूनिट आप खर्च करते हैं तो आपको 100 रुपये ही देने पड़ेंगे और बाकी खर्च सरकार उठाएगी। तो दोस्तों कौन से उपभोक्ता हैं जिनको 100 रुपये देना पड़ेगा, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है दोस्तों इसे टच करते हैं। जैसे ही आप इसे टच करेंगे इसके पास एक बेल आइकन घंटे का निशान आए उसे भी टच कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो। सबसे पहले दोस्तों ये लाइक वाले बटन को दबा के नीला कर दें ताकि हमें पता चले आपने हमारी वीडियो देखी और लाइक कर दिया। शेयर वाले ऑप्शन से शेयर कर दें अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और दोस्तों नीचे की ओर आके आपको कमेंट कर देना है और दोस्तों नीचे आकर कमेंट में लिख देना है आप हमारी वीडियो कौन से रास्ते देख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश में अब 100 रुपये में 100 यूनिट मिलेगी बिजली। प्रदेश में कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को अब सरकार ने राहत देने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब 150 यूनिट तक खपत करने वाले शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली के मात्र 100 रुपये देने होंगे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, अब खास बात यह है कि सरकार ने इसमें SC ST और गरीबी रेखा का बंधन खत्म कर दिया है, जिसके तहत सभी वर्ग और सभी वर्ग के छोटे उपभोक्ताओं को इसी महीने से बिजली से इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में मिलेगी। जाहिर है कि सरकार की मंशा है कि लोग कम से कम खपत करना चाहते हैं, भय किसी भी वर्ग का हो। दरअसल कमलनाथ सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना को संबल से अलग कर दिया है। इसके तहत 150 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिलेगी। इसके ऊपर की 50 यूनिट का मान समान दर लागू होगी। ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रेट ने इस योजना की मंजूरी दी है। GOM ने बताया कि GOM ने योजना के गरीबी रेखा और आरक्षित वर्ग का बंधन खत्म कर दिया है। छोटे उपभोक्ताओं का इसका लाभ लेने के लिए सिफारिश की। साथ ही सरकार ने इंदिरा गृह ज्योति योजना में SC ST और गरीबी रेखा का बंधन खत्म कर दिया है। वहीं संबल कार्ड की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। छोटे उपभोक्ताओं को लाभ होगा तो दोस्तों बड़ों को नहीं, तो दोस्तों छोटे उपभोक्ताओं को इसका लाभ होगा और बड़ों को नहीं होगा। इससे छोटे उपभोक्ताओं को भी फायदा मिल सकेगा, क्योंकि हालांकि इसका लाभ 100 रुपये से 100 यूनिट बिजली का लाभ 150 रुपये से ज़्यादा खपत करने वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाएगा। इसमें अधिक खपत होने पर उसके समान दर के ट्रैफिक के हिसाब से बिल देना होगा। दरअसल अगर 1 अगस्त से ही इसे लागू कर दिया गया है, कैबिनेट की अनुमति सहित बाकी औपचारिकताएं बाद में की जाएंगी। सब्सिडी वाले बिजली के बिल में अलग से कॉलम। तो दोस्तों बिजली बिल के कमाए फकैट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। समान बिजली बिल की उपभोक्ताओं को दिया जा रहे हैं, लेकिन सब्सिडी वाले बिजली बिल में राज्य शासन द्वारा दय सब्सिडी की लाइन लिखी जाएगी। कंपनी में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए इंदिरा गृह ज्योति योजना लाल रंग की लील की लगाई है, इससे बिजली बिल अलग से पहचान जा सकेगा। तो दोस्तों ऐसे समझे पूरा गणित, यदि 100 यूनिट का बिजली बिल 485 रुपये का आता है, इसमें उपभोक्ताओं को 100 रुपये ही जमा करने होंगे, शेष 395 रुपये शासन की ओर से कंपनी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर बिजली उपभोक्ता 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत करता है तो 100 यूनिट की सब्सिडी तो मिलेगी, लेकिन उससे ऊपर जुलाई तक यूनिट का बिल उपभोक्ता को खुद जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों 100 से अधिक अगर आप यूनिट खर्च करते हैं तो उसका बिल आपको स्वयं ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।